नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न के राजयोग। तो आइए देखते हैं मीन लग्न के राजयोग। आपकी कुंडली में, आपके घर वालों की कुंडली में या फिर किसी की भी कुंडली में अगर यहां पे 12 नंबर लिखा है तो समझ जाना मीन लग्न की कुंडली है। लग्न में ही गुरु स्वगृही होकर बैठा हो तो हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। ऐसे लोग बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, ईश्वर में अतूट श्रद्धा रखने वाले, परोपकारी और सेवाभावी लोग होते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, नीति से व्यापार करके धन कमाते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, शुक्र लग्न में उच्च राशि का होके मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। मीन लग्न के लिए शुक्र मारक होने के वजह से ये मालव योग इतना अच्छा फल नहीं देगा। फिर भी मेरे 25 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि ऐसे लोग बहुत ही मनमौजी शौकीन होते हैं, जिंदगी को ऐशो आरामी से जीते हैं, बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं और विदेश में घूमने जाते हैं। चौथे स्थान के अंदर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। ऐसे लोगों को माता का सुख, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है। एक से ज्यादा डिग्री प्राप्त करते हैं, पढ़ाई में बहुत ही होशियार होते हैं, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलता है और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से धनवान बनते हैं। सप्तम भाव के अंदर बुध उच्च राशि का होके भद्रयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, जो माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा देगा, पत्नी का सुख बहुत अच्छा देगा, पत्नी बुद्धिमान, गुणवान, विनम्र, विनयी, विवेकी, नसीबदार, तेजस्वी पत्नी मिलेगी और शादी के बाद भाग्योदय होगा, पार्टनरशिप के धंधे से लाभ होगा और ये लोग बहुत ही सुखी जीवन जीते हैं और धनवान बनते हैं। गुरु दशम भाव में स्वग्रही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। ऐसे लोग भी बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, ईश्वर में अतूट श्रद्धा रखने वाले, यात्रा करने वाले, समाज के अंदर उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा की नजरों से देखा जाता है, यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं और धनवान बनते हैं। और एक स्टेप अंदर जाएंगे, लग्नाधिपति गुरु और पंचमाधिपति चंद्र की युति अगर केंद्र में या फिर त्रिकोण में हो तो गज के स्त्री योग नाम का राजयोग बनता है। ऐसे लोगों को सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है, समाज के अंदर मान सम्मान से जीते हैं, यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं और धनवान बनते हैं, यशवान बनते हैं, कीर्तिवान बनते हैं। लग्नाधिपति गुरु और भाग्याधिपति मंगल की युति अगर केंद्र में या फिर त्रिकोण में हो तो औदारी योग बनता है। ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं, यात्रा करने वाले लोग होते हैं, गुरु ब्राह्मण को मान सम्मान देने वाले होते हैं, गुड विद्याओं में रसिक भी देखे गए हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं और अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। पंचमाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति मंगल इन दोनों ग्रहों की युति केंद्र या फिर त्रिकोण में हो तो लक्ष्मी योग बनता है। ऐसे लोग 28 साल के बाद अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उत्तरोत्तर धन कमाते हैं और एक दिन धनवान बनते हैं और उन्हें कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, सर्वसुख संपन्न होते हैं, मान सम्मान पूर्वक जीते हैं। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति मंगल ये तीनों ग्रहों की युति अगर केंद्र में या फिर त्रिकोण में हो तो सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। ऐसे लोग गरीब घर में भी पैदा हुए हो तो एक दिन बहुत ही करोड़पति बनते हैं, शून्य में से सर्जन करते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बहुत धन कमाते हैं, विपुल धन की प्राप्ति करते हैं। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, सुखाधिपति बुध और पंचमाधिपति चंद्र इन दोनों ग्रहों की युति केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो तो उन लोगों के बच्चे बड़े नसीबदार होते हैं, बच्चों के जन्मने के बाद अच्छा मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है और ऐसे लोग पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं और विद्या प्राप्त करके अपना भाग्योदय करते हैं और धनवान बनते हैं।
लाभ स्थान के अंदर मंगल उच्च राशि का हो तो ऐसे लोगों को मैंने करोड़पति होते हुए देखा है। उसके बाद धनाधिपति मंगल और पंचमाधिपति चंद्र इन दोनों का परिवर्तन योग हो तो ऐसे लोग भी 28 साल के बाद धनवान होते हैं और उनकी बेटी बहुत नसीबदार होती है या बच्चे बहुत नसीबदार होते हैं, बच्चों के जन्मने के बाद लाखों करोड़पति बनते हैं। उसके बाद पंचम स्थान के अंदर चंद्र स्वग्रही हो और नवम भाव के अंदर मंगल स्वग्रही हो तो ये दोनों ग्रह अपनी अपनी राशि में स्वग्रही होकर बैठे हो तो भी लक्ष्मी योग बनता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अपने भाग्य की मदद से 28 साल के बाद धीरे 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 बहुत मेहनत करके करोड़पति बनते हैं, धनवान बनते हैं, यशवान, जशवान, कीर्तिवान बनते हैं। और एक स्टेप अंदर जाएंगे, लाभाधिपति शनि और अष्टमाधिपति शुक्र का परिवर्तन योग भी इंसान को करोड़पति बनाता है और उन्हें वारसागत प्रॉपर्टी भी दिलाता है। उसके बाद शुक्र लग्न में बैठा हो, चंद्र गुरु की युति कर्म भाव में हो और मंगल लाभ स्थान में हो तो ऐसे लोग निश्चित करोड़पति अरबोपति बनते हैं। उसके बाद धनाधिपति मंगल, पंचमाधिपति चंद्र और अष्टमाधिपति शुक्र की युति अगर लाभ स्थान में हो या फिर भाग्य स्थान में हो, धन स्थान में हो तो लॉटरी, शेयर, सट्टा, जुगाड़ से लाभ होता है। उसके बाद सुखाधिपति बुध, पंचमाधिपति चंद्र, अष्टमाधिपति शुक्र और लाभाधिपति शनि, बुध, चंद्र, शुक्र और शनि ये चारों ग्रहों की युति केंद्र में या फिर त्रिकोण में हो तो पैतृक संपत्ति, वारसागत प्रॉपर्टी यानी कि बाप दादा की मिलकत मिलती है। उसके बाद धनाधिपति मंगल, सुखाधिपति बुध और पंचमाधिपति चंद्र इन तीन ग्रहों की युति भी अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो ऐसे लोग 32 साल के बाद अच्छा मकान, अच्छा वाहन, अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हैं और धनवान, यशवान, जशवान बनते हैं। और एक स्टेप अंदर जाएंगे, केंद्राधिपति और त्रिकोण के मालिक आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो तो महापरिवर्तन योग बनता है जो राजयोग जैसा फल देता है और इंसान को कम मेहनत में धनवान बनाता है। उसके बाद तृतीय स्थान का स्वामी शुक्र केंद्राधिपति और त्रिकोण के मालिक के साथ अगर परिवर्तन योग करता हो तो इसे कहल परिवर्तन योग कहते हैं जो 70% राजयोग जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करके अपनी काबिलियत से धीरे 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 धनवान बनते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद 6, 8, 12 के स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण के मालिक के साथ परिवर्तन योग करते हो तो उसे दैन्य परिवर्तन योग कहते हैं जो 35% राज्यों जैसा फल देता है। उनके जीवन में अति मेहनत के बाद थोड़ा सा लाभ होता है। और एक स्टेप अंदर जाएंगे, 6वें स्थान का मालिक सूर्य 6, 8 और 12 में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। ऐसे लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं और नौकरी के अंदर उच्च पदाधिकारी होते हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी देखे गए हैं और अपनी मेहनत से धनवान बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। शुक्र 6, 8, 12 में बैठा हो तो सरला विपरीत राजयोग बनता है। ऐसे लोग दीर्घायु प्राप्त करते हैं, गुड विद्याओं में रसिक होते हैं, इन्हें वारसागत प्रॉपर्टी मिलती है और बहुत मेहनत करके करोड़पति बनते हैं। उसके बाद व्ययाधिपति शनि अगर 6, 8, 12 में बैठा हो तो उसे विमल विपरीत राज्यों कहते हैं। ऐसे लोग विदेश में जाकर नौकरी करके धनवान बनते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लग्न के अंदर गुरु केतु के साथ हो या दशम भाव में गुरु केतु के साथ हो तो धर्म ध्वजा योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको मीन लग्न के करीबन 25 राज्यों के बारे में बताया, लेकिन एक बात याद रखने जैसी है कि राज्यों का फल कब मिलेगा, जो ग्रह राज्योग बनाते हैं उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंद दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब ये राज्योगों का फल मिलेगा। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।